नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 2 या 3 दिन से एमी सेठ जी ने एक आरोप पर, जो कि हो सकता है एक अनएविडेंट गलती हो, बहुत ज़्यादा इशू बनाया हुआ है और शायद सभी को एक ही लाइन पे ले रही हैं कि सभी चोर हैं, बीपीसीएल चोर है। मैं किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं अपने पेट्रोल पंप वालों को सपोर्ट कर रहा हूं, बट इट्स मेयरली अबाउट टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली द बेसिस आर और आगे हमारे जो भी कोई कस्टमर्स हैं उनके क्या राइट हैं और उस राइट के होने के साथ साथ उनको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। सबसे पहली चीज एमी, मैं आपको कहना चाहता हूं, वंस द कस्टमर इज आउट फ्रॉम आर प्रमाइसेस ही इज अ सैटिस्फाइड कस्टमर फॉर अस। आपने जीरो नहीं देखा, आपने फाइनल नहीं देखा, उसमें शायद कभी भी मेरे पेट्रोल पंप या मेरे फोरकोर्ट सुपरवाइजर या मेरे फोरकोर्ट सेल्समैन की कोई गलती नहीं है। हां, मैं ये कह सकता हूं कि उसके थोड़ा बहुत सोच में या पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसने आपको देख के कि भाई आपके साथ में शायद कुछ चीटिंग हो सकती है, उस चीज को देखते हुए उन्होंने हो सकता है आपके साथ में कुछ किया हो। मैं उनको भी प्रिटेंड नहीं कर रहा हूं कहीं से कहीं तक भी, बट कहने का मतलब यह है कि आप बाकी और सभी जगह जाकर बड़े एजुकेटेड रहते हैं तो पेट्रोल पंप पर भी वो चीज क्यों नहीं। मैं आपको आपके कुछ राइट्स बताना चाहता हूं। आपके राइट्स हैं एमी कि आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, जाकर वहां पर आप अपना 5 लीटर्स का मेजर चेक कीजिए। मेजर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, कॉल द लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। हर एक पेट्रोल पंप पर एक कंप्लेन बुक होती है, सेल्स ऑफिसर का नाम लिखा होता है। रादर देन गोइंग बैक टू पुलिस, रादर देन गोइंग लाइव ऑन फेसबुक एंड सेइंग एवरीबॉडी इज अ थीफ एंड डिफेमिंग अ फॉर्च्यून 500 कंपनी लाइक बीपीसीएल विच इज वन ऑफ द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। आई कैन वेरी वेल से दे आर कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, क्योंकि आई बीन अ डीलर ऑफ अ बीपीसीएल, आई कुड फील दैट। एंड इट्स एन एगोनी, आई एम सेइंग इन अ राइट अवे मैनर दैट यस, डीलर कैन बी इग्नोर्ड सम ऑफ द टाइम्स बट कस्टमर विल नॉट बी। थर्ड एंड अ फोर्थ मोस्ट थिंग, आपने कहा कि मशीन में टेम्परिंग है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एमी, यू आर नॉट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू से कि आपकी मशीन में कुछ टेम्परिंग है। शायद कंपनी, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल, आपको बताना चाहूंगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो कि MSHSG कंट्रोल ऑर्डर के अधीन आती हैं, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया हुआ एक गैजेट नोटिफिकेशन है, जिसके तहत इनको रिफाइनिंग लाइसेंस मिलता है। उसी के तहत एक पेट्रोल पंप को, या आप उसे कह सकते हैं रिटेल आउटलेट, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, एक पेट्रोल पंप को हम काफी सादा नामों से जानते हैं, बट उसका जो बेसिक नाम है दैट इज कॉल्ड एज रिटेल आउटलेट। जो उसका ओनर होता है उसको हम डीलर कहते हैं, जिसका की डेफिनेशन फर्दर MHSG कंट्रोल ऑर्डर के अगेंस्ट से आता है। इवन दो जो आपका स्टाफ अटेंडेंट है वहां पर, वो भी एक डीलर रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी आप एक डीलर की तरह ही लेंगे। नाउ फर्दर एमी, किसी को भी ये कह देना कि सिर्फ वो चोर है, अगर एक चोरी इंटेंशनल है देन इट हैज टू बी अ चोरी, अगर वो अनइंटेंशनल है और सामने वाले बंदे ने माना है देन ही शुड बी पनिश्ड। आई एम वेरी वेल इनटू इट दैट यस ही हैज टू पे फॉर इट, बट हो सकता है कहीं और कोई प्रॉब्लम रही हो। बट माइंड इट अप मैम कि सारी चीजें केवल और केवल चोरी से लिंक करके अगर आप देखेंगी, सबको आप चोर कहेंगी तो शायद नहीं होगा। आपसे कहना चाहूंगा, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन का है, कंपनी का काम आपको जवाब देने का है, सेटिस्फेक्शन देने का है, डीलर का काम आपको तेल देने का है एक उचित क्वांटिटी एंड क्वालिटी में जो कि उसको कंपनी से मिल रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी, जिसको कि हम हिंदी में बाट माप कहते हैं,
उसका हमारे यहाँ पर सत्यापन होता है। सत्यापन का मतलब है कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि 5 लीटर में आपको 5 लीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो स्टैंपिंग हमारे आरओ पर हर 1 साल के बाद में होती है। नाउ फर्दर गोइंग ऑन टू योर पॉइंट, आपने कहा कि सब चोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वायलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट यू नो द बेसिक्स कि आप किसी भी पेट्रोल पंप पर खड़े होके जिस प्रकार से आपने लाइव चैट किया है यूजिंग ऑफ एन मोबाइल फोन ऑन अ पेट्रोल पंप प्रमाइसेस और एन रिटेल आउटलेट प्रमाइसेस कैन बी डेंजरस, इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ पेसो। पेसो आपका एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एक पेट्रोल पंप को स्टोरेज और सेलिंग का लाइसेंस दिया जाता है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास में होता है। अगर वहां पर कोई भी मिसहैपनिंग होता ड्यू टू गैदरिंग ऑफ पीपल्स ड्यू टू योर फॉइल यूसेज ऑफ सेलफोन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता आप बताइए। नाउ जो सूरज ने आपको बताया जो कि हमारे रिटेल ऑफिसर थे, ही सेड यू इन अ वेरी राइट फॉरवर्ड मैनर, आप मैनुअल बिल आपने लिया या आपने कहा कि ऑटोमेटेड चीजें लगनी चाहिए, हाँ डिजिटलाइजेशन हर जगह होना चाहिए, वी आर बीन इनटू इट एंड वी आर आस्किंग टू इट आल्सो। डिजिटलाइजेशन फायदे बहुत ज्यादा हैं, हम आप कस्टमर को और बेहतर सर्विस दे पाते हैं, बट देर आर कॉन्सिक्वेंसेस दैट देर आर मोर कस्टमर्स हु कैन लॉजिकली बी सेइंग समथिंग बेसलेस विच इज रियली सैड एज ऑन डेट, क्योंकि आपने बेसिक्स नहीं जाने। नाउ आई एम कमिंग बैक टू यू, जो आपने इससे पहले अपना एक लाइव चैट किया था जिसमें आपने कहा कि हमको चिंता है कि वो लाइव टैम्परिंग ना कर दें या वो मशीन को ठीक कर लेंगे, आपको मैं उसके बारे में बता देता हूं। जो आपकी ऑटोमेटेड मशीनरी होती है, सबसे पहली बात तो टैम्परिंग का उसमें जो चांसेस हैं दे आर मोर और लेस बहुत कम है, और अगर उसमें हो भी सकता है तो वो सर्टिफाई करने का हक आपको नहीं है, लीगल मेट्रोलॉजी उसके पास में है और उसके साथ साथ कंपनी के पास में है OEM, यानी कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है मशीन का, वो उसको सर्टिफाई करेगा कि इसके सॉफ्टवेयर में कोई टैम्परिंग है कि नहीं है, कोई मैनिपुलेशन है कि नहीं है, क्योंकि आपके केवल कह देने से कि उस मशीन में कुछ टैम्परिंग है, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपने उस आरओ ओनर का जो इमेज को डिफेम किया है कि उसने मशीन में टैम्परिंग कर रखी है, हाउ डिड यू गॉन इन टू दैट कि उस मशीन में कोई टैम्परिंग है, स्टिल यू आर सेइंग कि हमको कमेटी से मीट करना है, यू आर वेरी वेल कंसर्न कि आप जाइए आप बात कर सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट दैट, यू आर डूइंग अ क्रेजियस जॉब, कोई इतना बड़ा स्टैंड नहीं लेता है, बट प्लीज नो टू द बेसिक्स। आप एक डीलर की इमेज सिर्फ ये कह के कि उसने टेम्परिंग कर रखी है खराब नहीं कर सकते हैं, अगर प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर आपसे कोई भी किसी भी तरीके की गलती होती है तो क्या आपका पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप जो कि आपने खड़ा कर रखा है एमी एंटरप्राइजेस के नाम से, जो कि मैं आपके फेसबुक पेज पे देख रहा था, आपका एम्प्लॉय अगर कुछ गलत करता है तो क्या आप चोर कहलाते हैं? दूसरा आपको बताया देता हूं मैं, हमारे मशीन्स में जो कि कैलिब्रेशन होता है उसमें एक पर्टिकुलर के फैक्टर लगाया जाता है, अगर वो चेंज होता है तो वी आर गेटिंग फायर्ड, और उसका जो के फैक्टर का चेंज होने का होता है, मैं आपको कैलिब्रेशन का भी बताया देता हूं, 2 तरीके से कैलिब्रेशन होते हैं हमारी मशीन में। पहला कैलिब्रेशन होता है आपका ई कैलिब्रेशन, जो कि मशीन के सॉफ्टवेयर के अंदर उसको फीड करा जाता है, तब कंपनी का टेक्नीशियन आता है, उसका 5 लीटर का कैलिब्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, जो कि उसको सर्टिफाई करता है दैट यस दिस मशीन इज करेक्ट एंड दिस इज डिलीवरिंग एक्यूरेटली एज पर द
द नॉर्म्स एंड एज पर द कॉन्फिगरेशन और एज पर द कैलिब्रेशन डन। अब आपने ग्राउंड्स कोई चेक नहीं करे, आपने कहा कि डीलर के यहां पर कोई डिस्प्ले नहीं था, क्या आपने कोशिश करी कि उस यहां पर जाकर एप्रोप्रिएटली कि आप अपना डिस्प्ले नंबर देखें सेल्स ऑफिसर का? यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्या आपको इतना भी नहीं पता था कि आपके जो नंबर्स हैं या आपके जो एम्प्लॉइज हैं अगर वो कोई गलती करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा? बट अनफॉर्चुनेटली यू डिडेंट गॉट ऑन टू इट और आप एक इनडायरेक्ट वे में चले गए कि ये डीलर चोर है या कंपनी चोर है। सेइंग एवरीबडी ऑन अ चोर इज नॉट गुड, सो बी डिसाइसिव कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप कंपनी से मिलना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको अपनी दिक्कतें बताता हूं एज अ पेट्रोल पंप ओनर। आप हमारी समस्या सोच के देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि शायद हमारे लिए इस बिजनेस को करना कितना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सिटिंग इन द एसीज ऑफिस और एक लाइव चैट करने से डजंट मींस दैट यू आर अ करेक्ट पर्सन एज ऑन डेट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट करेक्ट, बट द वे यू हैव रिस्पॉन्डेड, द वे यू हैव गॉन थ्रू विद द थिंग्स, इट इज नॉट अप्रिशिएबल। नो टू द बेसिक्स एंड देन यू कैन एनरूट योर सेल्फ, इट्स वेरी मच गुड। Now coming on to your point, I mean we run a petrol pump, we cater almost 1,000 of customers daily. Can you imagine yourself, you are catering 1,000 of the customers on a daily basis, whereby, I'm sorry I'm using a wrong words here, a 10 rupees fueler, a motorist who is getting filled for rupees 10 can abuse you. They are having a right to abuse you. I am saying you in front of, I am saying you as, because mera jo sales representative hai, wo ek dealer ki tarah hi hai. Kyunki as per MHSSD control order, wo dealer ka representative hai and he is well as a dealer. To humare ko 10 rupay ka tel dalwane wala bhi, agar galiyan deke jata hai, to can you imagine, we are catering 1,000 of customers daily, उसमें से अगर 500 कस्टमर भी ऐसे आए तो क्या हम हर किसी की कंप्लेन करते हैं या हमने ये कहा कि पूरा का पूरा नेशन बदतमीज है? दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू गो प्लीज एमी। सेकेंड थिंग, हमारे से आप सोच के देखिए, वी आर नॉट गेटिंग अ सिंगल डे हॉलीडे, वी आर केटरिंग यू लाइक एनीथिंग। आपको याद होगा बीच में हमने कहा था कि वी आर गोइंग अनऑपरेशनल ऑन सैटरडेज एंड संडेज। आज ये मलिश्का से बात हुई थी, महाराष्ट्र के जो आपके स्पोक पर्सन है मिस्टर रवि शिंदे, यू आर बीन लाइक कि अगर आपने सबने ये कहा कि हम सैटरडे और संडे में हमारे को टाइम मिलता है, और टाइम मिलने के साथ साथ में अगर आपने पेट्रोल पंप बंद कर दिया तो हमारा, कैन यू इमेजिन, हम आपको 365 डेज 24/7 हम आपकी सेवा में खड़े रहते हैं। इवन दो डीलर कभी खड़ा नहीं होता, आपका सेल्समैन जो कि आपको हर रोज इंटरेक्ट करता है वो आपकी सेवा में हर रोज खड़ा रहता है। यू डिडेंट नो हु द डीलर इज, बट शायद आप अगर एक पेट्रोल पंप पे हर रोज जाएंगे तो आपको एक सेल्समैन की चेहरा पता होगा कि हाँ ये सेल्समैन है जो कि मेरे को केटर करता है। थर्ड पॉइंट इज, हमारी लाइवलीहुड कैसे चलती है वो आप सोच के देखिए। वी आर रनिंग विद अ लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कि, अब मैं आपको कर सीख, पूरे सिस्टम में शायद अगर सबसे बड़ा कल्प्रिट कोई है तो अनफॉर्चुनेटली एक डीलर ही है। हमारे को कंपनी की तरफ से पूरा तेल नहीं मिलता है। आज ही मेरे पास में एक रिपोर्ट है जिसमें कि मैंने लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर से अपनी गाड़ी को नपवाया। कैन यू इमेजिन, 60 लीटर ऑड वॉज बीन शॉर्ट। अब
उस 60 लीटर के लिए क्या मैं वहां पर लाइव नोटिफिकेशन दूं, या शुड आई गो विद इट कि मैं BPCL से बात करूं, या शुड आई गो विद इट कि मैं ट्रांसपोर्टर से बात करूं। बट वी हैव द वेज फॉर एवरीथिंग। लीगल मेट्रोलॉजी को अप्रोच करा गया, उनसे गाड़ी का चलान कराया गया, क्वेश्चन आंसर्स विल बी देयर। बट सेइंग दैट ट्रांसपोर्टर्स आर थीफ, saying that BPCL is thief will not work. We have to work as per basics. Third thing, can you ever imagine कि आपने अपने आप को degrade करा है कि upgrade करा है? You have been working as an manager somewhere. If I could read your profile, then you started yourself as an entrepreneur. So at least you yourself upgraded yourself. Just think about us. हमारे लिए एक अप्रोप्रिएट कमीशन तक नहीं है, या आप कह सकते हैं मार्जिन तक नहीं है। 2011 में एक रिपोर्ट बनी थी, अपूर्व चंद्रा कमिटी रिपोर्ट। कैन यू इमेजिन विट मेरली सेज कि डीलर के पास में अपना घर चलाने के लिए मात्र 10 पैसे कमीशन आता है। एक डीलर को आपने सोचा कि वो किस तरीके से चलाता होगा अपना बिजनेस? किसी ने हमारा संज्ञान नहीं लिया। बट स्टेटिंग कि वो चोर पेट्रोल पंप है, यू कैन नॉट से एवरी वन एज अ चोर। अगर किसी एक सेल्समैन ने गलती करी तो ही कैन बी पेनलाइज्ड। बट इन फ्रंट ऑफ यू बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जो कि शायद बड़े फेथफुली काम करते हैं, बट आपने उसकी फेयरनेस को शायद 365 डेज नहीं देखा। अगर उसने एक दिन आपकी गलती करी, ही इज बीन फायर्ड। क्या आपने आज तक अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करी है? It will be a justified thing that you should be fired out of something without even knowing the basics of the trade. Please be fair, be mature enough to be on a conclusive state. Else, शायद हर एक बंदा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गलती करता है। Nobody is perfect. I could say you that nobody is perfect. Thanks, Rohit. And it's been great. You've been a secretary. Thank you. And it's been a basics that yes, we have to comment on that. And until and unless we are not commenting, the people will know the not know the pain which we are going through. Amy, just think upon a part of that particular guy who has been standing in front of you. And he's been working 24/7, being a summer season, being winters, being rainy seasons. He's been sitting over there. He's been serving you. Now, ball is in your court. You have to take your own stand. Please, but don't call everyone as a thief without knowing the facts of the trade. If you don't know, then you can call me anytime on 97565644444. You can note down my number again. 97565644444. If my dealer is wrong, I'll be standing with you. But here it is, the words you have said for whole community in terms of petroleum community and in terms of my BPCL, which I know that they can be ignoring the dealers, but they cannot ignore the customer. They are highly reputed, customer oriented company, and it has to be treated like that only. I wind it up myself, and I just wanted to say that Emmy, please be matured, think as a human being, know the basics, and then come back. I am ensure that me, with all of my fraternity and my Empowering Dealer Foundation, will be standing by you, will be helping you out. But please know the basics. Don't call everybody as a thief. I've already recommended you many of the things on which you have posted me back. Thanks for the recommendations, Hemant. So those were the basic recommendations which need to be taken care while you are getting yourself fueled from the petrol pump. You have got all the rights reserved to check each and everything in terms of quantity and quality. You can go for a density check. You can go for a filter paper test. You can go for a 5-liter test. And if any of the things gone wrong,
यू आर हैविंग ऑल राइट रिजर्व टू कॉल टू द पर्टिकुलर सेल्स ऑफिसर एंड यस इफ दैट पर्टिकुलर आरओ इज डूइंग समथिंग रॉन्ग ही विल बी फायर्ड एंड ही कैन बी ऑन अ एज ऑफ गेटिंग अ टर्मिनेशन टू बट एमी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट गो बियॉन्ड without going any, without knowing the actual facts of the trade you are defaming the image of BPCL as well as the dealer itself and not exactly the dealers the people who are being serving over there you are defaming their image also and without knowing the fact that whether the machine was being shot or not you are saying that it was being tempered you can very well be leaded to an